हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है अर्चना किचन कानपुर में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने चने की दाल 2-3 घंटा डाली थी पहले और पीस ली है। इसमें बनाऊंगी इसकी बफौरी। बफौरी बना के फिर मैं बनाऊंगी सब्जी। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले डाल लेती हूँ। यहाँ पर मैं डाल लेती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और यहाँ पर मैं डाल लेती हूँ स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा इसी में डालूंगी नमक और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों देखिए एक लोटा पानी रखी हूँ भगोने में, तो भी खोल रहा है, गुनगुना गया है मतलब। और यहाँ पर मैं रखी हूँ छेद वाली थाली और यहाँ पर जो मैंने ये दाल पीसी हुई। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दाल जो भी मिक्स की है मसाले, वो मैं यहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी सी बफौरी इस तरीके से बफाऊंगी। और ये छेद वाली थाली है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सब लगा दी हैं, मतलब डाल दी हैं, चुआ दी हैं। और यहाँ पर मैं बंद कर देती हूँ, 10 से 15 मिनट बंद करके बफा लेती हूँ बढ़िया। दोस्तों यहाँ पर 10 से 15 मिनट हुए हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी बफौरी एकदम बढ़िया से बप गई हैं। और ये मैं निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पकड़ के और निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम बप गई हैं बफौरी। और यहाँ पर मैं दूसरी भी जो बची हैं वो भी मैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा भी बचा है वो भी मैं इस तरीके से सब रख देती हूँ हाथ से। और आप चाहें तो चम्मच से भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं हाथ से रख लेती हूँ सब। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी रख दी हैं और यहाँ पर मैं ये भी मैं 10 से 15 मिनट इनको भी बफा लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ 10 से 15 मिनट हो गए हैं और बफौरी हमारी बप गई हैं। तो मैं निकाल लेती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी हुई है और अब चलती है ग्रेवी बनाने। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई रख दी है और डाल देती हूँ तेल। तेल को अच्छे से गरम होने देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों तेल हो गया गरम। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच जीरा और यहीं पर मैं 2-3 कलियाँ लहसुन की काटी हुई हूँ वो भी मैं डाल देती हूँ। और मैंने एक प्याज मीडियम साइज का था वो भी मैंने काटा हुआ है बारीक बारीक से। और यहाँ पर 2 हरी मिर्च काटी हैं ये भी मैं डाल के और अच्छे से ब्राउन कर लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है। और यहीं पे मैं 2 टमाटर पीसी हूँ वो भी मैं डाल देती हूँ और अच्छे से टमाटर भी पका लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर टमाटर भी बहुत अच्छे से पक गए हैं और यहीं पर मैं डाल रही हूँ मसाला। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच है धनिया, आधी चम्मच है गरम मसाला, स्वाद अनुसार मतलब मिर्ची है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और यहीं पर मैं देती हूँ आधी चम्मच हल्दी और डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि वहाँ पर मैंने बफौरी में भी डाली हुई है। तो आप सब मसाले अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मसाले भी मैं 2-3 मिनट तक बढ़िया से पका लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मसाले भी बहुत अच्छे से पक गए हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। और यहीं पर मैं डाल देती हूँ पानी और मैंने आधा लोटा पानी डाला हुआ है। और मैं अब ग्रेवी में थोड़ा सा आने देते हैं उबाल। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रेवी में उबाल आ गई है और यहीं पे मैं डाल देती हूँ अपनी बफौरी जो मैंने अभी पकाई थी। और इनको 10 से 15 20 मिनट तक इनको मैं पकाऊंगी धीमी आंच में। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जी हमारी पक गई है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया पकी हुई है। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ हरी धनिया डाल के बढ़िया से मिक्स कर देती हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी रेसिपी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।